यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अब तक सरकार को कोई ना कोई विरोध झेलना पड़ रहा है। पहले शिक्षा मित्रों ने आंदोलन शुरू किया तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और अब आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई हैं, जिन्होंने सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और उरई शहर में जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया। इनकी मांग है कि इनसे काम ज्यादा लिया जाता है जिसके एवज में इनको कम पैसे दिए जाते हैं, इसलिए इनको कम से कम 18,000 रुपए वेतन मिलना चाहिए। 600 रुपया हमें प्रत्येक डिलीवरी में दिया जाता है और वो भी हम जब उसकी शुरुआत से टीकाकरण कराते हैं उसको 3 माह से एंड तक डिलीवरी तक, और अगर वो प्रसव हमारा घर पे हो जाता है तो आशा को फिर कुछ नहीं दिया जाता है, और इसमें हम लोगों को काम के आधार पर पैसा देते हैं और वो भी काम ज्यादा लेते हैं, किसी किसी काम का पैसा भी नहीं दिया जाता है। एंड मांग ये कर रहे हैं कि हमारा कम से कम 18,000 रुपया तो हो ही हो, कि मतलब अपना जीवन जी सके। 300 रुपया भी उसकी कर्म मजदूरी है, लेबर की इतनी है, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। इन सभी आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से भेज दिया है। मांगे ये है कि हमें मानदेय कम मिल रहा है, मांग जो हमारा बढ़ाया जाए, 18,000 किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा ज्ञापन दिया जाए। ये उनकी मूल दूसरी उनकी लोकल मांग ये थी कि हमको जो पैसा के लिए हम लोग जाते हैं ठहरने के लिए कमरा दिया जाए, हमारा शोषण होता है, हमें जो पैसा मिलना चाहिए मौके से नहीं मिल पाता है। इस प्रकार की उनकी तमाम समस्याएं थी, मेरे पहला उनको ज्ञापन भेज दिया जाएगा और हम भी हम साथ ही बैठ करके जो लोकल समस्याएं हैं उनको निशाना करने का पूरा प्रयास करेंगे। इनका कहना है कि अगर वक्त रहते सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो ये लोग काम बंद कर कार बहिष्कार करेंगे। जालौन से सुशील नायक, न्यूज 75.in।